को बढ़ावा दे रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यह हर व्यक्ति जानता है। बांटो और राज करो, ये कांग्रेस को विरासत में प्राप्त हुआ है। अंग्रेजों की कुटिल चाल को 1947 में कांग्रेस ने सफल होने दिया और देश का बंटवारा पहले किया। आजादी के बाद जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश के अंदर वर्ग संघर्ष करा करके आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, ये सब तो कांग्रेस की देन है। और यूपीए चेयरपर्सन के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 2004 से 2014 के बीच में क्या किया था कौन नहीं जानता उस समय। क्या ये सच नहीं कि ओबीसी के आरक्षण पर सेंध लगाने के लिए उस समय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी इन्होंने गठित की थी और कमेटी ने संस्तुति की थी कि ओबीसी के आरक्षण में से 6% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय और एनडीए ने उस समय विरोध किया था, इनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। फिर एससी एसटी के अधिकारों पर भी इन लोगों ने घुसपैठ करने का प्रयास किया था और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कि मुसलमानों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, यह भी कांग्रेस के समय हुआ था। तो कांग्रेस उस समय एनडीए और बीजेपी ने इसका विरोध किया था, कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। आज जब 2024 का लोकसभा का सामान्य चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या कहता है? मैनिफेस्टो ही विभाजनकारी है, भारत को वर्ग संघर्ष की ओर ले जाने वाला है। भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों में सेंध लगाने वाला है। कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे और कम से कम श्रीमती सोनिया गांधी जी को सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। चुनाव के दौरान जनता की आंखों में धूल झोंक करके अब ये देश की सत्ता नहीं हथिया पाएंगे, क्योंकि पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन कर रहा है और आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करने के लिए आज एकजुट होकर के दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को इस प्रकार का सफेद झूठ नहीं बोलना चाहिए। सर, हम ये कह सकते हैं कि पूर्व में कांग्रेस की जो सरकारें रही, चाहे उससे आतंकवाद हो, उग्रवाद हो, नक्सलवाद हो, ये सब कुछ भी देश ने देखा है। आज जो नफरत की बात कर रहे हैं, 10 साल मोदी जी की सरकार में जो सवाल, कश्मीर में धारा 370 कश्मीर एक कांग्रेस ने लगाई थी, ओबीसी के आरक्षण में से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सेंध लगाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। तो और ओबीसी के अधिकारों का पूरी तरह हनन है, ये देश के अंदर जाति राजनीति को क्षेत्र और भाषाई आधार पर समाज को बांटने की कुछ सी चेष्टा कांग्रेस ने की थी। अपने मैनिफेस्टो में जिस प्रकार की बातों को कांग्रेस ने उल्लेख किया है, यह भारत की सनातन आस्था पर प्रहार तो है ही, समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति को पैदा करने वाला है। और मुझे लगता है कांग्रेस के मंसूबे भारत की जनता कभी पूरा नहीं होने देगी, क्योंकि विभाजनकारी जो राजनीति है यह किसी के हित में नहीं है। और मुझे लगता है कि आज जब विकसित भारत के लिए पूरा भारत, पूरी देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में संकल्पित होकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अपना समर्थन दे रही है, उन स्थितियों में अब कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली। सर, हम ये कह सकते हैं, गांधी जी एक बात तो कह रही हैं कि उनका न्याय पत्र जो है इस बात की गारंटी है, श्रमिकों को, महिलाओं को, आदिवासियों को, देश को सुरक्षा की गारंटी है, कितना आप लगता है कि जनता इस बात, देखिये तो अपने आप में हास्यास्पद है। ये न्याय नहीं, भारत के प्रति अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के प्रति, भारत की सनातन आस्था के प्रति अन्याय पत्र है। मुस्लिम लीग का एक नया वर्जन ये आया है कांग्रेस का घोषणा पत्र। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल
कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व करता हो, इससे ज्यादा शर्मनाक दूसरा नहीं हो सकता।